हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यदि किसी व्यक्ति को नींद का प्रॉब्लम है तो क्या नींद की गोलियां लेना उसके लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक है। नींद की प्रॉब्लम काफ़ी लोग को होती है, नींद नहीं आती है उनको, पूरी पूरी रात वो जागते रहते हैं, कई बार अगर सोते हैं तो तुरंत नींद खुल जाती है या नींद लगती ही नहीं है, करवटें बदलते रहते हैं, लेकिन फिर भी लोग दवाइयाँ लेने से डरते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर दवाइयाँ हम लेंगे तो हमें इसकी आदत पड़ जाएगी और फिर वो आदत कभी नहीं छूट पाएगी, ज़िंदगी भर हमको परेशान करेगी। इसके लिए लोग दवाइयाँ लेना नहीं चाहते, भले उन्हें लगता है कि वो पूरी रात जागते रहे वो चलेगा, लेकिन दवाई नहीं लेना चाहते। तो आज डिस्कस करेंगे दोनों इसके एस्पेक्ट्स, फ़ायदे और नुकसान क्या हैं, क्या नींद की दवाई हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और अगर लें तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। देखिए, इस बात में कोई डाउट नहीं है कि कुछ टाइप की जो नींद की दवा है, खासकर बेंजोडाइजिपिन ग्रुप की जो हिप्नोटिक मेडिसिन आती हैं, ये आदत डाल देती है, इनको लेने से लंबे समय तक आपको नींद इनके बगैर आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि दवाओं पे थोड़ा सा डिपेंडेंस हो जाता है। इसके अलावा ये दवाइयों से कई बार टॉलरेंस भी डेवलप हो जाता है कि ये दवाई आप अगर कई बार लेते हो तो एक पर्टिकुलर डोज में आप ले रहे हो तो वो पर्टिकुलर डोज थोड़े दिन के बाद असर करना बंद कर देता है, फिर आपको और ज़्यादा डोज लेना पड़ता है, फिर उसमें भी असर नहीं आता, फिर और ज़्यादा लेना पड़ता है, तो एक टॉलरेंस डेवलप हो जाता है कि एक पर्टिकुलर डोज आपको बॉडी में असर ही ना करे, ऐसा हो सकता है। तो नींद की गोलियों का थोड़ा सा ये एक प्रॉब्लम रहता है कि हाँ, इसमें आदत पड़ने का रिस्क रहता है और दवाइयों के डोज ज़्यादा फ्यूचर में पड़े ज़रूरत इसका भी चांस हो सकता है। ये हर मेडिसिन के लिए एप्लीकेबल है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ज़्यादातर ये कुछ मेडिसिन है, खासकर जो ये कॉमनली यूज़ होने वाली दवाई डाइजीपाम है, कंपोज जिसे बोलते हैं, या अल्प्राजोलम है, या क्लोनाजीपाम है, ये दवाइयों में ये थोड़ा सा कंपेरेटिवली ज़्यादा चांस रहता है, लेकिन बाकी ग्रुप की जो मेडिसिन है उसमें कंपेरेटिवली चांस कम रहता है। हमने ऑलरेडी नींद की दवाई कौन कौन से ग्रुप की होती है, कौन कौन से तरीके की होती है, उस पर डिटेल वीडियो किया है, वो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो इसलिए हर नींद की दवाई को हम ये सोचें कि भाई इसको इसलिए नहीं लेना है कि इसमें आदत पड़ जाएगी, तो ये सोचना गलत है। कुछ दवाइयों में डेफिनेटली इसका प्रॉब्लम रहता है, लेकिन लंबे समय में ये प्रॉब्लम हर दवाई इसमें करे ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा नींद की दवाइयों के साथ एक और इम्पॉर्टेंट इशू ये रहता है कि कई बार नींद की दवाई ले तो हम लेते हैं, रात को नींद लग भी जाती है, लेकिन दिन भर उसके बाद आपको सुस्ती होती है, कमज़ोरी होती है, सर दर्द होता है, काम करने की इच्छा नहीं होती, कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता, तो आपका रिफ्लेक्सेस में भी प्रॉब्लम होती है, ड्राइविंग करने के टाइम भी प्रॉब्लम होती है, एक्सीडेंट होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो ये एक काफ़ी कॉमन समस्या है होती है नींद की दवाइयों से, खासकर उम्रदराज पेशेंट में इसका इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है, पर ये हर व्यक्ति की टॉलरेंस लेवल पर डिपेंड करता है, किसी व्यक्ति में इफेक्ट होता है, किसी में नहीं होता है। आप अगर 100 लोग को नींद का दवा दोगे तो 10-15 लोग को इसका प्रॉब्लम हो सकता है, तो ये इतना अनकॉमन तो नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति का टॉलरेंस इसमें अलग होता है। एक पर्टिकुलर डोज पर हर व्यक्ति को ऐसा हो सकता है, अगर ज़्यादा डोज दिया जाए तो ऐसा हो सकता है, पर हर व्यक्ति में हम कोशिश ये करते हैं कि शुरुआत लो डोज से चालू करते हैं, लो डोज देके देखते हैं कि उसको नींद आना इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं, एक चीज़, और साइड इफ़ेक्ट्स में ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं यानी अगर प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है तो डोज कम करना पड़ता है, प्रॉब्लम अगर कम हो रही है या नींद आने में प्रॉब्लम आ रही है तो डोज बढ़ाना पड़ता है। तो ये इस व्यक्ति के इंडिविजुअल टॉलरेंस पर डिपेंड करता है कि उसको दिन भर उसके साइड इफ़ेक्ट, कॉन्सेंट्रेशन, चक्कर या उसके रिफ्लेक्सेस वगैरह में जो प्रॉब्लम आ रही है वो नींद वाली दवा से आती है या नहीं आती। और ये भी हर दवा से हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, इसमें भी कुछ ग्रुप की दवाइयाँ हैं, खासकर जो ओरेक्सिन ग्रुप की दवाई है या जो मेलेटोनिन रिसेप्टर्स पर काम करने वाली दवा है, वो सब में इतना ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। ज़्यादातर ये भी जो बेंजोडाइजिपिन ग्रुप की दवाइयाँ हैं या जो डिप्रेशन के लिए ली जाने वाली दवाइयाँ हैं या जो ज़ुकाम के लिए ली जाने वाली एंटीहिस्टामिन दवाइयाँ हैं जिसको हम नींद के लिए भी लेते हैं, उसमें ये साइड इफ़ेक्ट थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। पर हर दवाई में ऐसा होगा ऐसा ज़रूरी नहीं, आप दवाई लेके देख सकते हैं, ट्राई करके देख सकते हैं, उसके बाद आपको वो सूट हो रही है या नहीं हो रही है डिसाइड कर सकते हैं। इसके अलावा नींद की गोली जो है उससे आपको नींद लग तो जाती है लेकिन ओवरऑल आपकी स्लीप की क्वालिटी बहुत इम्प्रूव ना हो, ऐसा हो सकता है। इसमें कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो नींद लगा तो देती है लेकिन मेंटेन नहीं करती, कुछ है जो मेंटेन करती हैं, तो आपको किस टाइप का प्रॉब्लम है वो आपको देखना पड़ेगा। नींद स्लीप की क्वालिटी और जितना आपको रिलैक्सेशन उससे मिलेगा उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा इन दवाइयों से नहीं होता, तो ये भी एक थोड़ा सा इशू कुछ लोग को होता है। इसके अलावा नींद की दवाइयाँ जो हैं वो शॉर्ट टर्म रिलीफ के हिसाब से तो अच्छी हैं लेकिन लॉन्ग टर्म अगर आप इसको लेते हो तो आपको प्रॉब्लम्स होने का या उसमें आपको आदत पड़ने का चांस ज़्यादा रहता है।
अगर आपको मान लीजिए कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम की वजह से, मेंटल स्ट्रेस की वजह से, परिवार में किसी स्ट्रेस की वजह से कुछ दिन अगर आप नींद की दवा लेना चाहें तो इसमें कोई इतनी बुराई नहीं है। थोड़े दिन के लिए आप इसे लेके बंद कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि इससे आपको आदत पड़ जाएगी, लेकिन लंबे समय तक इसे लेना थोड़ा सा आदत डाल सकता है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक किसी किसी लोग के लिए हो सकता है। ज़्यादातर लोग को ये कोशिश करनी चाहिए कि जब कभी भी उनको नींद स्लीप का प्रॉब्लम आ रहा है तो स्लीप हाइजीन पर फोकस करें। जिस कारण से नींद नहीं आ रही है, चाहे एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, खाने पीने का इशू है, लाइफस्टाइल चेंजेस है, वो सारी चीज़ों पर फोकस करें और नींद के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। दवाइयों को बहुत लंबे समय तक लेना बहुत अच्छा नहीं है, पर छोटे समय के लिए अगर आप इसको ले तो बहुत बुरा भी नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब आप प्रॉपर नींद आपको नहीं मिल पाती है तो उसकी वजह से भी आपका ओवरऑल ब्रेन कॉन्सेंट्रेशन कॉम्प्रोमाइज़ होता है, उसकी वजह से भी आपका कई बार काम में मन नहीं लगता और अगले दिन पूरा आपका ख़राब जाता है जब आप पूरी दिन रात को नहीं सो पाते हो। अगले दिन आपको सरदर्द भी होता रहता है, आप कोई काम कर भी नहीं पाते हो और हर काम में आपका एफिकेसी या काम करने की जो क्षमता है वो भी कम हो जाती है। तो इसलिए ये एक दोधारी तलवार जैसा है कि जिसमें अगर आप दवा लेते हो तो भी प्रॉब्लम हो सकती है, नहीं लेते हो तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं लेते हो तो नींद नहीं आने की वजह से प्रॉब्लम होगी और लेते हो तो आदत पड़ने की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप आपकी रिक्वायरमेंट्स को जज करके दवाइयाँ लेना चालू कर सकते हैं। अगर आपको छोटे टाइम के लिए प्रॉब्लम है और उसको लेके आप थोड़े दिन में बंद कर दे तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लंबे समय तक अगर लेने की आवश्यकता है और आपको लंबे समय तक प्रॉब्लम है तो कोशिश करिए कि आपकी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करके, खाने पीने की हैबिट्स को इम्प्रूव करके, स्लीप हाइजीन पर फोकस करके आप इसको इम्प्रूव कर लें और दवाओं की रिक्वायरमेंट को कम कर सकें तो ज़्यादा अच्छा है। कौन सी दवाई आपके लिए सूट करेगी और कौन सी दवाई आपके लिए अच्छी है वो जानने के लिए आपके डॉक्टर या साइकेट्रिस्ट के साथ आप डिस्कस करेंगे तो अच्छा है, वो आपको बेटर वे में गाइड कर पाएंगे कि ये दवा आपके लिए अच्छी है या नहीं। तो बेसिकली मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि नींद की दवा छोटे टाइम तक लेना अगर पड़े या अगर आपको नींद का प्रॉब्लम है तो उसको लेने में बहुत ज़्यादा बुराई नहीं है, लेकिन हाँ ये बात भी सही है कि लंबे समय तक इसको लेने से आदत पड़ने का चांस रहता है, पर ये भी हर दवा के लिए एप्लीकेबल नहीं है। कुछ कुछ ग्रुप की मेडिसिन में ये ज़्यादा होता है। तो कौन सी दवा आपको ज़्यादा सूट करेगी और कौन सी दवा से आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी और आदत ना पड़ेगी वो आपके डॉक्टर के साथ आप डिस्कस कर सकते हो। हमने भी इस पर एक डिटेल वीडियो किया है तो आप वो भी देख सकते हो, एक बेसिक आइडिया आपको उससे मिल जाएगा। पर फिर भी मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि सारी दवाइयाँ आप खुद से लेना चालू कर दें, आप डॉक्टर के साथ डिस्कस करके ही लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन हाँ ये है कि अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करके, अपनी स्लीप हैबिट्स को इम्प्रूव करके, अपनी स्लीप हाइजीन को इम्प्रूव करके, दवाइयों के डोज और उसकी रिक्वायरमेंट को धीरे धीरे करके अगर आप कम कर सकें तो लंबे समय में इससे आपको ज़्यादा फायदा होगा बजाय इसके कि आप लंबे समय तक या लाइफ टाइम दवाएँ लेते रहें। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी नींद की गोलियाँ लेना फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक है और क्या हर व्यक्ति जिसको नींद की दवा लेनी पड़ती है उसे लाइफ टाइम लेनी पड़ती है या नहीं और लेने में क्या नुकसान है, इस पर हमने डिस्कस किया। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।